खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। खबर की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई है, तो बड़ी खबर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। तो विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई है, ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको दे दे। तो वहीं आपको जानकारी दे दे कि अगर पिछले कुछ दिनों को हम देखें तो सदन के अंदर काफी हंगामा भी बरपा, लंबी बीमारी को लेकर चर्चा की गई। तो वहीं दूसरी ओर ये भी जानकारी सामने आई कि सदन में राइट टू हेल्थ बिल पास नहीं हुआ है, ये बड़ी खबर आपको दे दे कि सदन में राइट टू हेल्थ बिल पास नहीं हुआ है, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। तो वहीं सदन में राइट टू हेल्थ बिल पास नहीं हुआ है, सदन में राइट टू हेल्थ बिल पास नहीं हुआ है, ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई है। हालांकि ये बड़ा अपडेट आपको दे दे कि सदन में राइट टू हेल्थ बिल पास नहीं हुआ है, सदन में राइट टू हेल्थ बिल पास नहीं हुआ है। ये बिल लाया गया और ये कहा जा रहा था कि बिल पास होगा, पर वहीं अब सदन में राइट टू हेल्थ बिल पास नहीं हुआ है, बिल प्रवर समिति को भेजने का फैसला है। अब समिति को भेजने का फैसला है, इसमें तमाम संशोधन किए जाएंगे, क्योंकि आज हमने देखा किस तरीके से डॉक्टर्स के द्वारा इस बिल को लेकर के प्रदर्शन भी किया गया, हंगामा भी किया गया। तो वहीं दूसरी ओर इस बिल के आने के साथ कई अहम संभावनाएं भी जताई जा रही थी और कुछ उम्मीदें भी इस बिल से जुड़ी हुई थी, पर डॉक्टर्स की ओर से इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन भी किया गया। तो वहीं दूसरी ओर ये बिल पास नहीं हुआ है, बिल समिति को भेजने का ये फैसला किया गया है। तो बिल को अब समिति को भेजा जाएगा, उसके बाद हो सकता है कुछ संशोधन इस बिल में किया जाए और उसके बाद जब वापस से सत्र की शुरुआत होगी तब उस दौरान इस बिल को पास कराने की कोशिश और कवायद रहेगी। तो अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो वही जानकारी आपको दे दे कि वो बिल जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं जोरों शोरों पर थी, जिसको लेकर के डॉक्टर्स के द्वारा बड़ा प्रदर्शन भी देखने को मिला, वो बिल पास नहीं हुआ है। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके। नरेश, देखिए विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई है, तो वहीं दूसरी ओर राइट टू हेल्थ बिल पास नहीं हुआ है। बिल्कुल, देखिए बिल पे चर्चा हुई, लंबे समय तक चर्चा हुई, लेकिन बाद में इस बिल को प्रवर समिति में पास करने भेजने का जो है वो फैसला किया गया और इसको जो है वो अभी सदन में अब फिर से रखा जाएगा। और मंत्री प्रसादी मीणा जो है वो हमारे साथ मौजूद है, वो आपको बताएंगे कि किस लिए ये पूरा काम हुआ, क्यों भेजा, आप बताइए। माननीय सदस्यों की सच्ची भावना थी, माननीय प्रतिपक्ष के नेता की जो भावना थी, उनकी जिस तरह की भावना का सम्मान करते हुए हमने उसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया और सेलेक्ट कमेटी 7 दिन में इसकी रिपोर्ट देगी, वापस सत्र आउट करते हैं, बहुत जल्दी इसको हम पास करते हैं। कमियां थी जल्दबाजी में लाया गया, कोई जल्दबाजी में नहीं, उनके सुझाव, उनकी बात, उनकी इच्छा यदि सेलेक्ट कमेटी को जाए, कोई कमियां हो तो उनको दूर कर दे, बाकी कमियां नहीं थी, फिर भी वो जो बताएंगे उनको हम सेलेक्ट कमेटी करेगी, उसका हमको कोई बिल्कुल। तो देखिए मंत्री प्रसादी मीणा है, उन्होंने कहा कि विपक्ष ने जो कई मुद्दे उठाए थे और उन मुद्दों के आधार पे उन्होंने फैसला किया है कि इसको प्रवर समिति में, सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए और उसके बाद इस बिल को फिर से लाया जाएगा और इसको पारित कराया जाएगा। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि संभवतः कुछ तैयारियां अधूरी थी चिकित्सा विभाग की और इसी कारण से ये बिल पास नहीं हो पाया। एक बड़ा बिल था राजस्थान जो, और नरेश देखिए जो डॉक्टर्स के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था उसमें भी यही कहा जा रहा था कि हमारी भी राय इसको लेकर के ली जाए, हमारे द्वारा जो बातें कही जाए उसका प्रावधान इस बिल में होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए कई सी ऐसी बातें थी जो आज विपक्ष ने उठाई है, कई सी ऐसी बातें थी जो विपक्ष ने उठाई है और उन्होंने कहा था कि बिल लाना अच्छी बात है, ये जो सोच सरकार की अच्छी बात है, लेकिन इसमें कई खामियां हैं और इन खामियों को दुरुस्त करना जरूरी है, क्योंकि ये प्रदेश की जनता से जुड़ा बिल है, स्वास्थ्य से जुड़ा बिल है, तो ऐसे में जितनी भी कमी खामियां हैं उनको दूर किए जाए और दूर करने के बाद ही जो है इस बिल को फिर से लाया जाए। और इसी का सम्मान रखते हुए मंत्री प्रसादी मीणा जब जवाब देने के लिए उठे तो उन्होंने सरकार की तरफ से पक्ष रखा कि जो विपक्ष ने जो सुझाव दिए हैं या अन्य सत्ता पक्ष के भी कुछ सदस्यों ने सुझाव दिए थे, उस सुझाव के आधार पर इस बिल को अब। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। आगे बढ़ते